क्या शुरू करने वाले हैं आज? फिजिकल प्रॉपर्टी। हाँ, सर कल परसों क्लास हुआ था? नहीं नहीं हुआ। बहुत खुश है। चलिए टॉपिक का नाम लिखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। बताइए कितना नंबर आज हम डिस्कस करने वाले हैं? कितना नंबर डिस्कस करने वाले हैं? 8, 9, 10। 8 नंबर। 7 टॉपिक हम अल्कोहल पर आप लोगों को बता चुके हैं और पढ़ा चुके हैं। 7 नंबर में बताए थे प्रिपरेशन ऑफ। सर टॉपिक नंबर 9 होगा ये। 9 होगा? यस। देखिए 9 होगा। और 8 नंबर में बताए थे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल कितने प्रकार से बताए थे? कोई एक सुना दीजिए। पहला 4 प्रकार से। पहला हेलोरिन। हेलोरिन से। दूसरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। तीसरा डाइजोनियम साल्ट। और चौथा क्यूमीन। तो समझिए 100% अब आपको याद हो गया। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम बनवाएंगे तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है। क्या पूछता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में? तो एक दो लाइन पहले लिखेंगे, उसके बाद हम आपको विश्लेषण के साथ बताएंगे। तो लिखिए अल्कोहल्स, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अल्कोहल एंड फिनॉल्स। तो अल्कोहल जैसे किसको अल्कोहल कह सकते हैं आप लोग? CH3OH को कह सकते हैं अल्कोहल्स। फिनॉल में किसको कह सकते हैं आप लोग? बेंजीन के ऊपर अगर OH है तो इसको आप फिनॉल कह सकते हैं। ये कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ब्रैकेट में आप बगल में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। टू पार्ट्स। पहला एनएराइल, एनएराइल और दूसरा एन अल्काइल ग्रुप। एन अल्काइल ग्रुप। एन अल्काइल ग्रुप विथ, विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं CH3OH, C2H5OH, ऐसा दे सकते हैं। ऐसे आप इतना समझते हैं, सिर्फ इतना लिख लीजिए। लिख लिए? यस सर। तो इसमें तो कोई याद करने की चीज नहीं है, ये एक सिर्फ लैंग्वेज में अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल का पूछा जाएगा तो उस समय आपको ब्रेन में रखना है कि अल्काइल अल्कोहल होता है और एराइल अल्कोहल होता है। अब आइए बॉइलिंग पॉइंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट्स पर। समझ गए? तो अगर कार्बन की संख्या बढ़ती है, अगर कार्बन की संख्या बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट्स उसका क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? अंदर बढ़ेगा। तो लिखेंगे द बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स किसका? तो ऑफ अल्कोहल्स एंड किसका? फिनॉल्स इंक्रीज विथ, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
तो यहां तक समझ में आ जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा इसमें कौन सा फोर्सेस काम करता है, तो आप लिखेंगे ब्रैकेट में इंक्रीज इन वंडरवाल फोर्सेस, वंडरवाल्स फोर्सेस। लिख लिए, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज इन वंडरवाल फोर्सेस। तो एक टर्म आपको याद रखना है वंडरवाल फोर्सेस के बारे में, और 11th में आप पढ़े होंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़े होंगे आप कुछ टॉपिक। तो हाँ सर, हाँ बोले, बोलिए सर। हाँ एक बार थोड़ा पढ़ दीजिए ना। पढ़ देते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स क्या होता है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ब्रैकेट में लिखेंगे इंक्रीज इन वंडरवाल फोर्सेस। समझ लिख लिए? यस सर। अब इसमें तो आपको समझ में आ गया कि सब चीज इंक्रीज था, तो क्या केमिस्ट्री में अगर कोई बात शुरू में लिख दिया गया कि इंक्रीज है, सब चीज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं हो सकती। आगे जाके उसमें कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन तुरंत दिया जाएगा ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो जाए, कठिन हो जाए, हाँ गलत हो जाए। क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे कि इन अल्कोहल्स, इन अल्कोहल्स द बॉइलिंग पॉइंट्स, द बॉइलिंग पॉइंट्स, द बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज, डिक्रीज भी करता है कब, विथ विथ इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग, विथ इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग इन कार्बन चेन, कार्बन चेन, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बिकाउज ऑफ, बिकाउज ऑफ डिक्रीज इन, डिक्रीज इन वंडरवाल, वंडरवाल फोर्सेस, डब्ल्यू डबल ए एल होता है, वंडरवाल्स फोर्सेस विथ विथ डिक्रीज इन, डिक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो कारण इसमें क्या होगा, ये कारण आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कार्बन अगर बढ़ रहा है तब बहुत अच्छी बात है, कार्बन अगर बढ़ी तो बढ़ेगी। फिर से एक बार पढ़ते हैं, इन अल्कोहल्स, अल्कोहल्स की अगर हम बात करेंगे तो द बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है कब, जब इंक्रीज होगा ब्रांचिंग का, ब्रांच की बात जब होगी तब उसका बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज करेगा, कारण बिकाउज ऑफ डिक्रीज इन वंडरवाल फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस क्यों कम होगा, तो कारण आप देंगे विथ डिक्रीजिंग इन सरफेस एरिया। तो एक टर्म आ गया आपका कौन चीज, सरफेस एरिया, समझ गए, सरफेस एरिया। दूसरा टर्म आ गया वंडरवाल, वंडरवाल फोर्सेस, ये टर्म आपको याद रखना है, सरफेस एरिया याद रखना है, इंक्रीज
कार्बन चेन याद रखना है, और कौन सा याद रखना है, ब्रांच याद रखना। तो ये चार के कारण कार्बन का अगर चेन बढ़ता है, कार्बन की संख्या बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, क्योंकि वंडरवाल फोर्सेस बढ़ जाएगा। लेकिन डिक्रीज होगा कब, जब ब्रांच की बात आएगी। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया उसका क्या होगा, घट जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस तरह से बोलना है नेक्स्ट क्लास में कि कार्बन का जब चेन बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, पहला कंसेप्ट, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ वंडरवाल फोर्सेस। लेकिन अगर ब्रांच कार्बन का बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, उसमें कारण क्या होगा, तो कार्बन आप देंगे सरफेस एरिया को। तो इस तरह से लैंग्वेज में हमको आप नेक्स्ट क्लास में सुनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में का तरीका हम रोज बताएंगे कि आपको अब याद करके सुनाना किस प्रकार से, उससे क्या होगा कि आप अच्छे तरीके से सुना सकते हैं, नहीं तो किताबी ज्ञान वाला में गड़बड़ आ जाएगा। नीचे लिखेंगे दी डैश ओ एच ग्रुप, दी डैश ओ एच ग्रुप इन अल्कोहल्स, इन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, एंड फिनॉल्स इज इन्वॉल्व्ड, इज इन्वॉल्व्ड इन इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसी सबसे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये है टॉपिक। द ओएच ग्रुप अल्कोहल्स की बात हो या फिनॉल्स की बात हो, अल्कोहल की बात हो या फिनॉल की बात हो, दोनों में इन्वॉल्व होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो बार बॉन्डिंग लिखा गया है, एक ही बार आप लोग लिखेंगे, आप लोग डबल बार बॉन्डिंग नहीं लिखेंगे। द ओ एच ग्रुप इन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, इन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिख लिए सर, वहां पे इज होगा सर, हाँ, एंड फिनॉल्स इज इन्वॉल्व इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाँ इज कर दीजिए, इज सर, हाँ, फिनॉल के बाद इज होगा, हाँ कर दिए, कर दिए, हाँ। द ओ एच ग्रुप इज इन्वॉल्व्ड इन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, लिख लिए, यस लिख लिए अच्छी तरह से। तो इतना आप लोग याद करके रखेंगे कल, और पूरा पीछे वाला रिएक्शंस जितना है टोटल समराइज करके कल बोलना है, ठीक है, और आगे पढ़ा देंगे इसी में बॉइलिंग पॉइंट टोटल फिगर सहित, ठीक है, okay, उतना याद रहेगा, बहुत हल्का बताए अभी आज हम, yes। सबसे ज्यादा